अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर नंबर है 98, मैथमेटिक्स क्लास है मैट्रिक, चैप्टर नंबर 6 है ये, एक्सरसाइज 6.2, टॉपिक है हमारा ग्राफ। अब इसमें सवाल इम्तिहान में आता है, सॉल्व द ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट, ग्राफिकली द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन है दो दी हुई है आपको, 3x-11=y इक्वेशन 1, x-3y=9 इक्वेशन 2 है। पहले हम ये करेंगे कि टू फाइंड सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे हम। सॉल्यूशन सेट का तरीका ये है कि हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3 ये इधर लेके आएंगे, 3y+9 इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया 3 अपनी जगह पर, 3y+9-11=y, 3 3 9y और ये 27-11=y, 9y-y इसको माइनस करेंगे 16 बचेगा, 16, ये 16 दूसरी तरफ आएगा, -16 हो जाएगा, 16/8 हो जाएगा, -2 आ जाएगा, तो ये एक वाई की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 x=3(-2+9), x=-6+9, एक्स की वैल्यू हो गई 3। तो देखिए सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इसका, एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू है -2, ये दोनों इक्वेशनों का कॉमन पॉइंट है। अब हम इसमें पॉइंट्स मालूम करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में y पहले से अलग है, 3x-11, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। अब हमें ये करना है कि इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, तो पुट कर देते हैं इसमें हम, वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह 1 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 4, y=3 3×1-11, तो 3-11 जवाब हो गया -8, तो ये एक पॉइंट पता चल गया आपको, यहाँ ऑर्डर टेबल देख लो 1-8, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा x की जगह हम पुट करेंगे 2 इन इक्वेशन नंबर 4, तो ये y=3×2-11, 6-11-5, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5, ये दूसरा पॉइंट पता चल गया। अब हम यहाँ लिखते हैं तीसरा पॉइंट, अब आप पुट कर दीजिए इसमें x की जगह 4 इन इक्वेशन नंबर 4, तो y=3 3×4-11, 12-11, ये 1 आ गया, तो ये एक पॉइंट पता चल गया 4,1, ठीक है, तो ये +1 है। अब इसका टेबल बना देते हैं, देखिए टेबल का तरीका बहुत आसान सा है, ये कॉमन पॉइंट जो निकला था ना दोनों का सॉल्यूशन सेट, ये यहाँ लिख दें पहले 3-2, फिर उसके बाद ये 1-8 यहाँ पे लिख देंगे, 1-, फिर सर 2,-5, 2 और -5, फिर ये आ गया 4 और 1, ठीक है। अब हम लिखेंगे इक्वेशन टू जो है, हमने इसको अलग करके 3 बनाई थी ना इधर से, इसी को लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, तो x=3y+9, ये इक्वेशन 3 है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो पहले हम पुट कर देते हैं y की जगह पर -1, x की जगह 3×-1+9, तो -3+9 ये हो गया 6,
तो ये ऑर्डर पेयर आ गया x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास है। फिर उसके बाद पुट कर दें अब आप इसमें x y की जगह -3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x बराबर है 3 × -3 + 9, तो ये हो गया -9 + 9, ये हो गया 0। तो x की जगह आ गया 0, y की जगह आ गया -3। ये एक ऑर्डर पेयर पता चल गया। अब आपको एक और पॉइंट निकालना है, तो y की जगह पुट कर दें -4 इन इक्वेशन नंबर 4। तो x बराबर हो गया 3 × -4 + 9 -12 + 9 - 3। तो ये ऑर्डर पेयर हो गया x की वैल्यू -3 - 4। अब हम टेबल बना देते हैं, तो ये टेबल आ गया आपके पास x की वैल्यू y की वैल्यू x y x और y की वैल्यू अब हमें लिखनी है। इधर एक बड़ी गलती से लिख दिया है, तो ये कॉमन पॉइंट जो था इसका सोल्यूशन सेट ये पहले लिख देंगे 3 - 2। फिर ये तीन पॉइंट और आ रहे हैं वहाँ पर, 6 आ गया -1, फिर 0 - 3, फिर ये वाला पॉइंट हम लिख देंगे -3 - 4। अब आपको ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ मैंने पहले से थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ग्राफ में हमें ये करना है कि ये एक लाइन ड्रॉ कर लें आप एक्स एक्सिस की, और एक लाइन ये ड्रॉ कर लें वाई एक्सिस की लाइन। अब इसमें हमने दो दो पॉइंट जो है दो खानों पर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया दो खानों पर, फिर 3, 4, 5 ये 10 तक लिख दिया। इस तरह भी माइनस में लिख दिया दो खानों पर -1 - 2 - 3 - 4, ये भी 10 तक चला गया। ऐसे वर्टिकल चला गया दो खानों पर, फिर ये 1, 2, 3, 4 यहाँ तक, तो नीचे माइनस में आ गया। अब इसका जो पहला पॉइंट है ये 3 और -2, 3 इधर जाएंगे 1, 2, 3, -2 जो है नीचे की तरफ जाएंगे 1, 2, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। फिर है 1 - 8, तो 1 जो है ये हो गया -8 यहाँ पर इसके 8 की सीध में, तो 1 और -8 आ गया। फिर है 2 और -5, तो 2 ये हो गया -5 नीचे चलेंगे इसकी सीध में आ जाएंगे, ठीक है। फिर है 4 और 1, तो 4 ये आ गया, तो 1 ऊपर की तरफ जाएंगे +1 ऊपर। अब यहाँ से स्केल रख करके ना एक लाइन मिला रहे हैं, लाइन मैंने मिला दी है पहले से। फिर अब इस वाले ग्राफ के पॉइंट लिखेंगे 3 - 2, तो यही पॉइंट हो जाएगा 3 ये हो गया, -2 ये हो गया। फिर है 6 - 1, तो 6 इस तरफ जाएंगे प्लस का और -1 नीचे की तरफ। फिर है 0 - 3, तो 0 ये हो गया, -3 नीचे आ जाएगा। फिर है -3 - 4, -3 इधर जाएंगे 1, 2, 3, -4 नीचे आ जाएगा। तो अब इनको मिला दें आप एक लाइन, ठीक है। अब देखिए ग्राफ में दो चीज़ें आपको लिखनी है, एक तो ग्राफ बनाना था, पॉइंट्स निकालने थे आपको, इसका सोल्यूशन सेट लिखना था। तो सोल्यूशन सेट तो हम पहले निकाल भी चुके हैं, ये ग्राफिकल सोल्यूशन सेट है 3 - 2, ये दोनों में कॉमन था पॉइंट। देखिए ये दोनों लाइनों में एक लाइन ही आ रही है, एक लाइन ही आ रही, दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो ये है 3 - 2। इसके बाद आपको स्केल लिखना है आपने, स्केल जो है स्केल का तरीका ये है कि हमने लिख दिया 2 small squares ये इक्वल टू 1 unit के बराबर, 1 unit यानी हमारे नंबर होते हैं वो यूनिट होते हैं इसके बराबर है। अब आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मुगल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह नेकबाद।